हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने परवल की सब्जी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम शादी में जो आलू और परवल की सब्जी बनती है उस तरीके से आपको बना के दिखाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आपको शादी वाली फीलिंग लगेगी। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत। शादी वाले आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए हमने 300 ग्राम परवल को ऐसे छिलके हटा के बीच से काट के उसके चार टुकड़े कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाही रख लिया है। कढ़ाही में हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पे हमने राई का तेल लिया है, आप जो भी वेजिटेबल ऑयल खाते हैं उसको डालिए। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये कटा हुआ परवल छोड़ देंगे और परवल को हम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये सारे प्रोसेस हम अभी मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं। परवल को हमें बिल्कुल सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। हमने परवल को 4 से 5 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं तब में ये अच्छा सा फ्राई होने का निशान आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे टेढ़ा करते हुए और एक प्लेट में निकाल लेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा तेल हम कढ़ाई में गिरा देंगे और बाकी परवल हम एक प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे। परवल गल चुका है तेल में फ्राई होके, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने परवल निकाल लिया है। इसी तेल में हम 1 चम्मच भर के जीरा डाल देंगे। जीरा को हम हल्का सा सिटक जाने देंगे। तो अपना जीरा सिटक चुका है, इसमें हम डालेंगे लच्छे वाली 1 कटोरी प्याज, यानी कि यहाँ पे हमने बड़ा साइज का 2 प्याज लच्छे में काट रखा है। इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। प्याज को हमने 3 मिनट तक भूना है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, जिसे हमने दरदरा कूट रखा है। तो 1 चम्मच अदरक है और 1 चम्मच लहसुन, दोनों को हमने साथ में कूट रखा है। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक प्याज के साथ भूनेंगे। प्याज लहसुन भूनते टाइम कभी हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे, कभी मीडियम करके भूनेंगे, तभी अच्छे से ये भूनता है। अब देख सकते हैं अपनी प्याज अदरक लहसुन अच्छे से गल चुकी है, यानी कि ऐसे ही हमें शादी वाली परवल आलू की सब्जी में प्याज चाहिए होता है। हल्का हल्का दिखे और अंदर से गला हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे हम फ्लेम को स्लो करके और मसाला ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और 1/2 चम्मच हम हल्दी डाल दे रहे हैं। मसाला को हम एकदम स्लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट भूनने के बाद अपनी मसाला की कलर अच्छे से आ चुकी है। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। और यहाँ पे हमने 2 बड़े टमाटर को रफली चॉप करके रखा है, उसे डाल देना है। अच्छे से हमें मसाले के साथ टमाटर को भूनना है। हमने टमाटर डाल दिया तो साथ में ही हमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देना है। तो यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाता है और ग्रेवी अच्छी बनती है। अच्छे से हम टमाटर को भूनेंगे। हम यहाँ पे टमाटर को कवर कर देंगे तो जल्दी से ये गलने लगता है। टमाटर को हमने कवर कर लिया, बीच बीच में हम ढक्कन को हटा के टमाटर को भून लेंगे।
हमने टमाटर को ढक्कन हटा हटा के बार बार चलाते हुए भुना है। आप देख सकते हैं अपनी प्याज टमाटर काफी हद तक गल चुकी है, लेकिन अभी हम इसे 1.5 से 2 मिनट और भूनते हुए गलाएंगे, तभी अपनी ग्रेवी जो है अच्छे से तैयार होगी। बीच बीच में चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है। आप देख सकते हैं अपनी मसाला अच्छे से भून चुकी है। हमें ऐसे ही आलू परवल की सब्जी के लिए मसाला भुना होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने जो आलू उबाल के रखा था उसे डालेंगे। तो यहाँ पे शादी वाला दम आलू बनाने के लिए यही खासियत है, चाकू से नहीं काटना है, इसे हम अंगुलियों से ऐसे तोड़ेंगे और इसमें जो छोटे छोटे टुकड़े हैं यही तो रस को गाढ़ा करता है और इसे खाने में स्वाद आता है। तो आपको जितना आलू डालना है उतना ऐसे हाथ से तोड़ तोड़ के डालिए, इसे हमें काट के नहीं डालना होता है। जो बड़े पीसेस पड़ जाएंगे उसे हमें स्पेचुला से टेस्ट करके दबा देंगे। तो यहाँ पे हमने आलू डाल दिया, आलू को मसाला में आधा मिनट तक ऐसे भून लेंगे। इससे क्या होता है जो इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ग्रेवी में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसकी कलर देख सकते हैं, खुशबू तो आ ही रही है। अब आलू भून चुकी है, यहाँ पे हमने जो परवल फ्राई करके रखा था उसे डाल देना है। तो आप देख सकते हैं ये परवल हमने डाल दिया, आलू के साथ हम इसे भी मसाले में 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। हमने आलू परवल दोनों को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। आप कलर देखिए और खुशबू भी आ रही है। अब यहाँ पे हम डालेंगे पानी, तो आप अपने ग्रेवी के अनुसार पानी डालिए। यहाँ पे हम 1 गिलास पानी डाल रहे हैं, फिर मिक्स करके देखेंगे, अगर कम पड़ा तो थोड़ा सा और ऐड करेंगे। 1 गिलास पानी सही है इसमें। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी ग्रेवी की थिकनेस है। अब फाइनल हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई खड़ा मसाला यूज नहीं किया है, यानी कि दालचीनी हो या लौंग हो कुछ भी हमने यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें भरपूर मात्रा में गरम मसाला डालना होगा, तभी तो शादी की सब्जी वाली फीलिंग आएगी। दूर दूर तक खुशबू भी फैल जाती है और खाने में तो जबरदस्त लगता ही है। अब चलिए हम इसे कवर करके 2 मिनट तक तेज फ्लेम पे अच्छे से पका लेते हैं। तो हमें कवर से कवर करके इसे पका लेंगे। चलिए अब अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है आलू परवल की सब्जी की। ऐसे ही तो शादियों में सब्जी मिलती है आलू परवल की। ऊपर से हम ढेर सारा धनिया पत्ता डालेंगे, ये फ्रेश धनिया है जिसे हमने धो के अच्छे से काट रखा है, और इसे सब्जी में मिक्स कर देंगे। धनिया पत्ता डालने से सब्जी में तो खुशबू आ जाती है। गैस को हमने ऑफ कर दिया है। आप एक बार फिर से ध्यान से देखिए, आपको फीलिंग आएगा कैसी सब्जी है। जैसे हम शादियों में पूरी के साथ दम आलू खाते हैं, परवल वाली वही सेम दिख रहा है। चलिए हम इसे प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो हमने परवल आलू की सब्जी की प्लेटिंग कर ली है। अब फाइनल देंगे इस पे हम 1 चम्मच घी। ये घी से सब्जी का स्वाद कितना बढ़ता है आप डाल के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। चाहे आप पूरी पराठे से खाइए, चाहे तंदूरी से खाइए, नॉन से खाइए या राइस से खाइए, सब्जी बहुत ही मजेदार लगती है। गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा धनिया पत्ता रख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया आलू परवल की शादी वाली सब्जी बनाना कितना आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए।